दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में 10,000 लोगों को मिलेगी नौकरी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 4 महीने में देगा नियुक्ति। दोस्तों UP SSSC, आपको इसका नाम तो पता ही होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नियुक्ति देने की प्रक्रिया को और तेज कर दी है। आयोग ने 4 महीने में 10,385 पदों पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति देने का कार्यक्रम तैयार करते हुए शासन के कार्मिक विभाग को इसे भेज दिया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर नियुक्ति दिसंबर में दी जाएगी। दोस्तों जैसे कि आपको पता है 27,000 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, उसमें से 8,085 पदों पर नियुक्ति दिसंबर में दी जाएगी। राज्य सरकार ने सरकारी विभाग में पारदर्शी तरीके से भर्ती कराने का आदेश आयोग को दे रखा है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को समूह गा के पदों पर भर्ती का अधिकार दिया गया है। आयोग ने कार्मिक विभाग को कार्यक्रम भेजा है। इसमें बताया गया है कि जिन पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी करते हुए प्रमाण पत्रों का मिलान किया जा चुका है, उनमें से अधिकतर पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाएगी। आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक सितंबर में मंडी परिषद में रोलर चालक व नक्शा नवीस के 16 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी एवं सहायक शोध अधिकारी के 896 पदों पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति दी जाएगी। नवंबर सम्मिलित अवर अभिनेता संगणक और फोरमैन के 1,388 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। दिसंबर में सबसे बड़ी बात है राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों पर अंतिम चयन करते हुए नियुक्ति दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग बहुत अच्छे तरीके से नियुक्तियां कर रहा है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से और तेजी आ जाएगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इन पदों पर अंतिम चयन करते हुए संबंधित विभागों को इसकी सूचना भेजेगा। विभागों द्वारा इसके आधार पर नियुक्ति और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। नियुक्ति पत्र बांटने के लिए कार्मिक विभाग द्वारा कार्यक्रम भी आयोजित किया जा सकता है जिसमें चयनितों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। तो दोस्तों किस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को खास निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में 10,000 लोगों को इस 4 महीने के अंदर अंदर नौकरी दी जाएगी। निवेदन करता हूं अगर जानकारी अच्छी लगी, इस तरीके की वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।